नो योर गेम यानी कि क्रिकेट से जुड़ी कोई ना कोई नई टेक्निक आप सीख सकते हैं इस सेगमेंट के जरिए. सो हियर्स आवर प्रेजेंटेशन टुडे. मैं नरेश कुमार जैन, डायरेक्टर विद्यायन क्रिकेट एकेडमी एंड प्रिंसिपल विद्यायन पब्लिक स्कूल. मैं यहां पर जो मेन मेरा जो फोकस रहा है वो हमेशा बैटिंग पे रहा है, तो बैटिंग के बारे में कुछ जो नॉलेज मेरे पास है मैं वो देने शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ. हम बेसिक से ही बैट्समैन को लीड करते हैं, बेसिक बताते हैं, बेसिक में स्ट्रांग करते हैं बैट्समैन को, वो उनके आगे काफी काम आता है. बेसिक स्किल हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हेड पोजीशन आपकी मैटर करती है. हेड के नीचे आप खेलते हैं तो वो आप इजीली खेल पाते हैं और उसमें आप आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हेड आपकी पोजीशन अच्छी है. तो हम लोग हेड पोजीशन पे विकेट करते हैं. मैं बेसिकली बिलीव करता हूं जब आप शोल्डर रोटेट करते हैं ना, ऑलवेज फोकस ऑन योर शोल्डर, तो आप शोल्डर बॉल को दिखाएंगे और उसके बाद खेलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, चाहे आगे का बॉल खेलना चाहे पीछे दिखा रहे. तो बैक मूवमेंट होनी जरूरी है, बैक लेग आपकी चलनी चाहिए. क्योंकि बैक फुट में लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप फ्रंट लेग मूव कर लेते हैं. बैक लेग, जब बैक फुट का मतलब है बैक फुट, इट शुड मूव, ये आइडली मूव करना है ऐसे या टुवर्ड्स बॉल जाएगा. ये सब चीजें मैटर करती है, ये हम सब डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ. हम लोग बेसिकली बिलीव करते हैं टाइमिंग पे, हिट वाली गेम पे हम बिलीव नहीं करते हैं. क्रिकेट जब हम बच्चों को देते हैं ना तो उससे दो तीन चीजें जो मेक श्योर होती हैं वो एक है यह है कि आपकी फिटनेस अच्छी होती है और एक आपका जो ध्यान है डाइवर्ट नहीं होता है. आप क्रिकेट में अगर खेल रहे हैं तो आपका ध्यान दूसरी चीज में जाएगा. दो चीजें आपको हम प्लस में करके देते हैं, उसके क्रिकेट खेल जाए बच्चा अच्छी तो वो तीसरी प्लस चीज हो जाती है. तो पेरेंट्स को मैं ये एश्योरेंस देता हूं कि आपके दो चीजें आपको मिल रही हैं, तीसरी आपको मिल जाएगी, बच्चा अचीव करेगा, अच्छा मेहनत करेगा तो मिलने का चांस है ज्यादा. बैट्समैन के लिए सिंपल एक गुरु मंत्र है कि बी शुड बी पेशेंट, आप पेशेंट रहें और वेट करें.